आप में से बहुत सारे लोग 5G का इंतज़ार कर रहे हैं, पर 5G अभी तक नहीं आया है। और आप में से बहुत सारे लोग परेशान है कि 5G फ़ोन ले लिया पर अभी तक 5G आया क्यों नहीं है और क्यों इतना डिले हो रहा है 5G। इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे और आप देख रहे हैं IT जनरेट। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो करिए लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, जिससे हमारे लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे हो कि 5G कब आएगा, जैसे रिसेंटली अभी IIT मद्रास में टेस्टिंग हुआ है, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल दोनों टेस्ट हुआ है और दोनों सक्सेसफुल हो गए हैं। अब जल्दी आपको अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक मिल जाएगा। पर आपको पता है कि 5G का, आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या 5G का यूजर्स क्या ज़्यादा है, तो आप में से मैं जैसे बता दूँ कि 5G का यूजर्स आप में, अगर आप समझिए दिल्ली में है और मुंबई में आपका घर है, अगर आपके घर में TV भी ऑन रहेगा तो आप TV ऑन रहेगा, CCTV ऑन रहेगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। हाँ, CCTV चेक कर सकते हैं, TV भी ऑफ कर सकते हैं आप दिल्ली में बैठे बैठे, वो भी अगर आपका फ्रिज भी चालू रहेगा इधर मुंबई में, अगर आप रह रहे हैं, अगर आपका आप दिल्ली में अभी गए हैं कहीं पे घूमने के लिए, अगर आप दे पाता आपको पता करने का आपका फ्रिज मैंने चालू कर रखा है बंद कर रखा है, तो आप वो भी घर आप उधर से बैठे बैठे फ्रिज TV लाइट सब बंद कर सकते हैं। और ऑटो ड्राइवरलेस जो गाड़ी आ रही है अभी, जैसे कि अभी टेस्ला का ही आप देख सकते हैं कि ड्राइवरलेस गाड़ी आ रही है, ये भी 5G टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और उसके बाद अब बात कर जाए 5G टेक्नोलॉजी में, आपको हाई स्पीड इंटरनेट, जो वीडियो आप मिनटों में देख रहे हैं और 5G आने के बाद आप कुछ सेकेंडों में पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर जो आप 1GB 2GB का मूवी है वो आप सेकेंडों में डाउनलोड कर सकते हैं, ये 5G टेक्नोलॉजी। आप में से बहुत सारे लोग को लगता होगा कि 5G जो है वो आपने सेहत के लिए हानिकारक है, तो मैं ऐसे बता दूं कि आप 5G अपने हेल्थ के लिए कोई भी हानिकारक, ऐसा कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आया कि अपने सेहत के लिए हानिकारक है।